नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा में लापरवाही का मामला सामने आया है। घटना भिलाई के सिरसा गेट के पास हुई, तब पूर्व मुख्यमंत्री दुर्ग में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काफिला रोककर नारेबाजी करते हुए सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। उन्होंने कहा कि मुझे भी गाड़ी से दो बार उतरना पड़ा। आज सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन था। बजरंग दल के लोगों ने रास्ते में मेरे काफिले को घेर लिया, नारेबाजी की, गाली गलौज की और सुरक्षा कर्मी के साथ धक्का मुक्की की। बिना सूचना के चक्का जाम कर रहे ये बेकाबू युवा आरोप लगा रहे थे कि बीती रात भिलाई में कोई आतंकी हमला हुआ है। वो अचानक वो आया, जैसे मेरी गाड़ी की सायरन बजी, टारगेट की सायरन बजी, तत्काल वो आ गए। तो इस प्रकार से धक्का मुक्की भी किए, बदतमीजी भी किए और सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की की। क्या लगता है आगे से डर गई भाजपा? ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इस प्रकार से निरंकुश हो कि कुछ भी कर लेंगे, तो प्रशासन मौन होकर देख रही है।